ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस ने अपने 1 करोड़ नागरिकों को बूस्टर डोज लगाया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरेन ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस में अब तक 5,20,00,000 लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। फ्रांस ने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को फ्रांस ने 51,624 नए कोरोना केस रजिस्टर कराए हैं। बता दें, यहां पर एक हफ्ते में कोरोना मामलों में करीब 60% इजाफा हुआ है, जिसके चलते सरकार काफी चिंतित है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। इसमें वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अतिरिक्त उपायों पर चर्चा करेंगे।